तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। शेख सिस्टर्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बज गए 3:30 हो रहे हैं। मैंने 3:30 का अलार्म लगा दी थी गाइस, मैं सोई तो बजे हूँ। पता नहीं रमज़ान चालू होता है गाइस, नींद बिल्कुल नहीं आती और वो कल से ही नींद पूरी भी नहीं होती और बराबर नींद आती भी नहीं है। तो मुझे बोली सोई 2 बजे, मैंने फ़ोन रखने की कोशिश करी थी, नींद नहीं आ रही थी, बहुत देर को नींद लगी। फिर अभी 3:30 उठी हूँ। अब मैं फटाफट पहले चाय चढ़ा देती हूँ और इन लोगों को उठा रही, कोई उठ नहीं रहे, मैं जब तक चाय चढ़ाती हूँ फिर उठाती हूँ इन लोगों को। बन रहा पराठा, रात को हम लोग आटा गूंथ के रख दिए थे और चाय बन रही है, यहाँ पराठा हो जाएगा तो हम लोग खाएंगे। अम्मी फुल नींद में, हम अरे बोलो तो पहली सहेली सबको मुबारक, रमज़ान महीना मुबारक। आज फर्स्ट डे है ना, तो थोड़ा सा उठने का थोड़ा। सबसे पहले मैं उठी, जैसे अलार्म बजा वैसी। गाइस यहाँ पर हमारी सहरी तैयार है, चाय और पराठे, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम लोग वैसे भी हमेशा सहरी लाइट ही करते, चाय और ये एक निवाला पराठा लेके रात को 12:30 बजे खाना खाए, खाना हजम नहीं हुआ मेरा, खाना ही नहीं खाया और ये लोग खाना नहीं खाए हैं। तो खाना खाना है, चाय पराठे। बैठी ना फिर रात से लेके अभी तक सहरी तक इसने पूरा खा ली गई। मैंने 2-4 चिप्स खाई, बहुत ने खाई, सहरी सहरी जल्दी हो गई। सो गाइस ये कल गई थी अपने घर पे, तू तेरा घर जल्दी वहाँ गई थी, ससुराल में गई, ससुराल जाने वाली थी गाइस, बट हम लोग के घर का वो क्या साफ सफाई था। तो कल ये अपना घर जो लिए वो सफाई करके 2 बजे आई, रात को 2:30 बजे 2:50 को आई। हाँ तो वो 2:30-3 बजे कुछ आई और 3:30 बजे से मैं लोग को चिल्ला रही उठो उठो उठो। और अभी सहरी तो अच्छा है ना, सुकून से सहरी कर लेना जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी नहीं, अभी और टाइम है, 1 घंटा है अभी, तो अभी देखते क्या करते। तो गाइस यहाँ पर मैंने चना भी भिगा दी, रगड़ा बनेगा इफ्तार में लंगड़ा। और यहाँ मैं अजवाइन का पानी बॉईल कर रही हूँ, पी लेती हूँ, थोड़ा अजीब ही हो रहा रात का खाना हजम नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने किचन पूरा साफ़ कर दी हूँ, पोछ पाछ के सब बर्तन सब खाली कर दी रात के, सब किचन क्लीन। और यहाँ पे पूरे बर्तन मैंने डाल दी धोने के, सब झूठा छुड़ा के सब रख दी, दोपहर में अभी सुबह में आ जाएगी मेट, तो सब हो जाएगा क्लीन। तो बस अभी ये पानी पी के फिर क्या बोलते फजर का इंतज़ार करेंगे। तो गाइस ज़रा सा मेरा हाथ उठने लगा ना, इन लोग कुछ काम नहीं कर रहे, मेरे पे छोड़ दिए, अभी मेरे से करवा रहे थे कर, अभी तो रात को भी मैंने सब मसाला पीसी करी, अभी भी सब खाली करना, सब करना, झूठा बर्तन लगाना सब कर रही हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल ये पानी पीती हूँ, हो गया बॉयल पानी पी, थोड़ा खाना रात का भी हजम हो जाएगा। और अभी भी मैंने सिर्फ एक टुकड़ा पराठा एक निवाला खाई हूँ, इतनी चाय भी हो रही नहीं, मेरे से अजीब भी हो रहा है। तो अभी पीती हूँ, फिर इंशाल्लाह फजर में मिलते हैं आपसे। देरी हो गई है और किचन भी क्लीन हो गया, सब हो गया काम। और मैं बैठी हूँ, 4:45 हो रहा है अभी, अजान हो रही नहीं, मेरे को लगता कितने बजे का टाइम है। हाँ अल्लाह, अरे 6:30 बजे नहीं होगी, अभी होएगी। तो गाइस अजान का ही वेट और कहाँ कहाँ से हमारे ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। हाँ से बताए कौन 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 सी जगह से ब्लॉग देख रहे हैं हमारा, प्लीज़ कमेंट करना। और सब जगह का टाइमिंग अलग रहता है, तो अभी तक यहाँ पे 4:45 हो गया, अजान हुई नहीं है फजर की, अभी हम लोग का पानी आ जाएगा, टाइमिंग चेंज हो गया गाइस पानी का, क्योंकि सही है, क्योंकि 8 बजे का टाइम था तो कौन उठ के नींद ख़राब करेगा, तो टाइमिंग सब जगह ही चेंज रहता है मेरे ख्याल से ना। सहरी में मस्त फजर पढ़ के नमाज वगैरह पढ़ के अपना पानी भी भर के सो जा, तो अभी देखते कब अजान होती है, इंतज़ार करते फिर नमाज पढ़ के सो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो हम लोग सोकर उठ गए और आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। कल की वीडियो में मैं नहीं बोल पाई क्योंकि मैं गई थी जो मैंने घर ली हूँ वो घर की साफ सफाई करने, तो कल की वीडियो में आपको नहीं दिखूँगी ज़्यादातर। मैं और समीर पूरा वहीं थे, हम लोग आए 3:30 बजे, वहाँ से लेट हो गया था काफ़ी, और अभी हम लोग सहरी करके सो गए थे और अभी उठे, मतलब 12 बजे उठ गए थे और अभी चल रहा है, अजान तो जस्ट हुई है और अभी यहाँ शाना 12 पढ़ रही है और मैं भी अभी 12 पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी।
इंशाल्लाह देखते क्या प्रिपरेशन है आप लोगों की, क्या मतलब बनाते हैं आज, तो बताएंगे आप लोगों को क्या बन रहा है क्या नहीं, तो बने रहना पूरे वीडियो में। सो गाइज यहाँ पर बच गए 4 और हम लोग के अलहमदिल्ला जोहर और माशाल्लाह मेरा एक पारा भी हो गया, ये दोनों का आधा आधा पारा हुआ है मेरे माशाल्लाह, आधे से ज़्यादा पड़ चल हाँ तो अखा नहीं पड़ी ना माशाल्लाह मेरा एक पारा हो गया, मतलब फर्स्ट पारा तो मैं पूरा मेरी स्पीड स्लो है, मैं बहुत स्लो पढ़ती मूंगी जैसा, तो मेरी स्पीड पता हट, इसलिए मैं ना गाइस जल्दी पढ़ जाती हूँ 1 बजे तक, कि 2 बजे तक पारा हो जाए, उसके बाद नमाज हो जाए, 2:30 बजे तक फ्री हो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर उसके बाद अभी 4 बज के बन रहे कि मैं के समोसे, तो मैंने जाकर मेरा इतना दिल ललचा रहा है, हो जाती बेशरम ऐसा नहीं बोलते वालों, अल्लाह ताला नाराज़ होता है जो बोलता है ना बार बार रोज़ा लग रहा है तो इससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। सो गाइस मैंने कीमा चढ़ा दी हूँ, मैंने उसका शूट नहीं लिया क्योंकि मेरे फ़ोन की चार्जिंग एकदम 2% थी, तो मैंने चार्ज पे लगा के मैंने जाके कीमा चढ़ा कर आ गई हूँ, तो मैंने कीमे में डाली हूँ 1 लहसुन एक चम्मच मेरे को 1 लहसुन एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ और मिर्ची का पेस्ट डाली और जीरा का पाउडर और नमक ये डाल के मैंने चढ़ा दी हूँ। उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं का समोसा लोग कैसे रेडी करते हैं, वो तो अपन ने पिछले नहीं बताए थे, पता नहीं फिर भी वापस मतलब नए नए व्यूअर्स हैं तो सबको नए नए हैं, तो फिर अभी चल अभी कीमा बॉईल होएगा तो मैं बताती हूँ क्या करते हैं आगे। पर कीमा बॉईल हो चुका है, बंद कर देते तो बस अभी इतना ही करना है, अब इसके बाद क्या है मैं बताती हूँ। और यहाँ पर मैं रात के खाने का भी हाथों हाथ कर देती हूँ, तो यहाँ पर ये हड्डी है गाइस, मेरी अम्मी को हड्डी का पतला सालन खाने का है, तो मैं इसको बॉईल कर देती हूँ हल्दी नमक कांदा डाल के। सो गाइस इसमें थोड़ा सा मैंने चीज़ डाल दी हूँ और ये मैं सिंपली कीमा हम लोग का बनता है, ज़्यादा भूनते तेल वाला नहीं रहता है तो बहुत लेकिन मस्त लगता है। अभी इसमें प्याज कच्ची प्याज का बनता है, ये इसमें कच्ची प्याज कोतमीर नींबू सब जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, तो मैं बताती हूँ मसाला। सो गाइस 5:30 हो चुके हैं और अभी जस्ट अज़र की अजान से और लोग ने मुझसे इतने सारे प्याज कटवाए ना, अभी आपके देखो रोते रोते वो, और अभी मैं काट रही हूँ ये काजू बादाम क्योंकि अम्मी बना रहे जो कभी कभी मुहर्रम में बनता है ना नानी शरबत, मुहर्रम में जो शरबत बनता है आज अम्मी वो इफ्तार के लिए बना रहे हैं, मस्तर अफ्जा वाला सब्जा वाला और काजू बादाम वाला और हम लोग सबका फेवरेट है, हम लोग दूध नहीं पीते कोई भी बात है लेकिन ये वाला शरबत पी। और अंदर शाना तैयारी कर रही है चिकन की हड्डियों का साल, मतलब जो चिकन लाए थे उसमें से थोड़ा थोड़ा तो काई अच्छा गोश्त है मटन का सालन बना रही है पतला पतला रस्से वाला, और उसके साथ साथ उसने कीमा भी भून ली है समोसा बनाने के लिए, तो अभी अम्मी उधर शरबत की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नानी अभी चटपटी बनाएंगी और कीमा उधर मतलब वो क्या भरेंगे ना कीमा भरेंगे सॉरी समोसा जब भरेंगे तब आपको बताऊँगी मैं। अभी मेरा सब कट वट करके हुआ और यहाँ देखो बता रही मैं क्या चल रहा है लोगों का, वो पहली बार घर में किचन में पसारा नहीं लग रहा है क्योंकि शाना थी, वरना इन लोग जैसे लोग रहेंगे तो पसारे रहेंगे गाइस। क्या देख रहे हैं देखो इसने हाथ जला दी, चल 2 महीने बाद ही जला ना, चल बहुत दिन बाद ना इसलिए हाँ इसलिए जला तो वो चल रहा है लेकिन बड़ा जल गया चिपका लिया हाथ इसने पट्टी में मेरे हाँ। और यहाँ अम्मी भर रहे कीमा तो बाद में अरे चीज डाले नहीं अम्मी ऐसा दिख रहा है बट ये खाने में बहुत टेस्टी रहता है, ये हम लोग का सिंपल लगता है लेकिन एक नंबर लगता है, अच्छा लगता है वो सब भुने भानेंगे तेल वाला भुनेंगे हर साल ऐसे ही बनाते ना अपन, इसमें कोतमीर कम डाले क्या, और फ्रीजर खुला है देखो जरा कैसा खुला रखे लोग ने, अरे बन नहीं हो रहा है तूने कुछ रखी है इसमें क्या, हमारा गोश्त भुन गया है सॉरी क्या बोलते हैं डिनर भी बन गया रात का डिनर लोग, मसाला भुन रहा है गाइस, तो खाना भी हमारा साथ ही साथ पिछले साल भी ऐसी ना पिछले साल भी साथ ही साथ खाना भी बना रहे थे ना, हाँ गाइस हम लोग ना हम कम मिलना सेंस मीन्स गाइस हम लोग ना आज पिछले अरे इधर की टांकी तो चालू करो, पिछले 2-1 साल या 1.5 साल सॉरी 2 साल से ना हम लोग मीन्स ना इफ्तारी पहले जब अम्मी बनाते थे चालन बनाते पहले मेरे अम्मी ना जो रोल वगैरह बनाते थे ना घर में ही रोटी बेलेंगे मैदे की अंडा उस पर भी छाएंगे सब करते थे, मतलब अम्मी पहले इतना भर भर के
तो तुम कितना घर घर के बनाते थे। जब हम लोग फ्रेंकी बनाते थे मेरी मम्मी एक साथ सब कुछ आइटम बनता था, मीठा तीखा खट्टा सब बनता था, कलर वाले आइटम भी सब बनाते थे एक साथ ना। कबाब, कोटी कबाब और चिकन रोल, मोटे मोटे रोल अंडे वाले बनते थे। अम्मी एक बार बनाओ ना वो वाला रोल अंडे वाला घर में बनाई। वो फ्रेंकी भी बनाते थे अम्मी। गाइस मेरे अम्मी अब भी खाना नहीं बनाते, पहले मेरे अम्मी एक से एक आइटम बना के हम लोगों को खिलाते थे रमजान में ना अम्मी, तलन वलन। और ऐसा नहीं कि एक एक दो दो, इतना क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी भर भर के रहता था। खा के भी घर वाले भी खाए, बाहर वाले भी, बाहर आस पड़ोस में बांटने के बाद भी हम लोग ना बैठ के मेरे अम्मी सब आजू बाजू को बुला के बच्चे लोग को खिला देते थे, सबको खिलाते थे। और उसके बाद हम लोग इफ्तार के बाद सहरी में तक भी खाते थे वही चीज। और गाइस इतने कम कीमे में, कितने कम कीमे में कितने सारे समोसे हो गए, बच भी गए अभी, और हम लोग भर के एक साथ रख देंगे आधे अभी तक। हाँ जितने मसाले भर दो कल भर देना, आधे कल देना, ऐसे करते गाइस हम लोग। हाँ तो सब सब्जी की वही होता है ना। हाँ ना मम्मी भर के रख देते हैं स्टोर करके फ्रिज में, कच्चे ही रखने का स्टोर करके, खाए नहीं। गाइस अभी ये मैं डालूंगी इसमें आधा डाल चुकी हूँ, ये देखो हमारा मोहब्बत वाला शरबत। और ये शरबत हम लोगों के घर में सबका फेवरेट है, कोई दूध पीता नहीं है घर में बट ये शरबत पीते दूध वाला, एक ना मोहर्रम वाला। हाँ बोली मैं, हाँ अरे फर्स्ट टाइम बना ना ये रमजान में, वरना हम लोग रमजान में क्या बनाते हैं, आम पन्ना, नहीं 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 आम पन्ना, जलजीरा, हाँ 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 बनाए थे, हाँ और लड़ लो दोनों नहीं बनाए थे। तो अभी यहाँ नानी बेसन गला रही है क्योंकि हम लोग पटाटे का भजिया भी बनाने वाले हैं, मेरे मम्मी को पसंद है तो वो बनता ही है। और यहाँ सालन रेडी हो गया है, हो गया ना रेडी, माशाल्लाह सालन का कलर देखो, कलर भी अच्छा है और वो भी आ रही खुशबू आ रही। मेरे को तो नाक ही बंद है, तेरा नाक बंद है, सबका थोड़ी बंद है। बस कब तो जल्दी मैं खाना भी नहीं, टेंशन फ्री। चावल नहीं बनाया, चावल गरम गरम रात को खाने के रहे, अभी क्या बना। मेन तो यही रहता है तो सालन होता, चावल तो क्या है फट से बन जाता है। और यहाँ पे चना भी हो रहा है तो, और समोसे भी भरे गए, अब बस सिर्फ फ्राई करने का हो गया। अब नमाज पढ़ते हैं असर की, फिर हम उसके बाद तलन करते हैं। सो गाइज हमको लेके बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं ससुराल नहीं जाती है नॉल, तो मैं जाने वाली थी आज भी। एक तो हम लोग ने जवाब दे ही दिए, प्रैंक इन लोग ने करे, आप लोग कमेंट की वजह से इन लोगों को इतना बड़ा प्रैंक सूझा था, तो वो प्रैंक के थ्रू आप लोगों को जवाब भी मिल गया एक तरीके से। उसके बाद भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी क्योंकि आप लोग मतलब देख रहे हो कुछ अच्छे कॉमेंट करते हैं, कुछ ख़राब भी करते हैं, जो अच्छे करते हैं और जो ख़राब करते हैं ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं हम लोग को, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन देना वही भी बनता है। फिर भी बता ही देती हूँ कि हाँ मैं आज भी जाने वाली थी, सॉरी फर्स्ट रमज़ान को जाने वाले थे मैं और समीर, बट समीर के काम की वजह से हम लोग नहीं गए। फर्स्ट थिंग समीर का काम, सेकेंड थिंग हमारा जो नया घर हम लोग ने लिए उसका हम लोग को साफ़ सफाई करना था, और समीर को दो चार दिन फिर फुर्सत ही नहीं है, कल उसको थोड़ी फुर्सत मिली, वो बेचारा इतना थक गया है, फिर भी मैंने उससे करवाई क्योंकि मुझे आज नियाज करवानी थी, लेकिन आज फातिहा करवानी थी वो भी नहीं हो पाई, नहीं हो पाया क्योंकि आज वापस से उधर टाकी का धोने का काम चल रहा है, इसलिए आज फातिहा नहीं हो पाई। तो शायद आज रात में मैं निकल जाऊँगी ना, जाना आ गया, वो भी लेट नाइट ही आने वाला है क्योंकि आज नहीं आने वाला था, आज उसका लास्ट काम है कुछ तो उधर, तो वो कैसा लॉर्ड वगैरह आता रहता है तो उन लोगों को थोड़ा हेडेक हो जाता है गाइस समीर को। तो अगर आज हो गया तो आएगा, तो हम लोग दोनों जाएंगे अपने ससुराल, फिर इसको खाने में खुशबू नहीं आ गया, तो हम लोग दोनों अपने ससुराल जाएंगे, तो कल इंशाल्लाह पूरा एक दिन हम लोग लोगों के साथ बिताएंगे वहाँ। तो फिर कॉमेंट नहीं करना, जो दिन बिताएंगे वो मेरे चैनल पर आपको देखने मिल जाएगा, समीर एंड नमीरा ब्लॉग पर। सो गाइस हम लोग दस्तरखान पर बैठ चुके हैं खाने के लिए, सॉरी फार के लिए खाने के लिए बोले, और ये रहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का दस्तर। अभी तलन नहीं आया, फ्रूट्स है और ये रगड़ा, ये नान और ये हमारा मोहब्बत वाला शरबत, और ये मैंने मेयोनीज और वो मिक्स करी हूँ सॉस। हाँ तो अभी क्यों काटे, उसी के साथ रखते ना। और अभी अम्मी तलन तो लाओ, अम्मी तलन तो लाओ। सो गाइस ये रहा हमारा तलन, अच्छा लग रहा है तो माशाल्लाह से दस्तर देखो अल्हम्दुलिल्लाह।
इफ्तारी के बाद अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, रात के 12:30 बजे और इन लोग सारे सो गए थे। मैं उल्लू जैसा जागी थी, व्लॉग एडिट कर रही थी और अभी शादा देखो खाना नमाज पढ़ी, खाना गर्म करी और सारे का बना भी था। हाँ ये देखो गाइस, इतने दिन से काम वाली पे छोड़े थे, ऐसा काला कर दी थी, आज मैंने उसको उल्टे हाथ से कसी दे, वो कितना साफ और वो मैडम से साफ ही नहीं हो रहा था, वो मैडम से साफ बुद्धि निकलता ही नहीं है उससे। तो शाना ने आज साफ करी देखो किचन गाइस, और इतने बर्तन जमा हुए हम लोग के, और हमारा शरबत जो बर्फ बन चुका है सहरी में पीना है। सहरी अभी पी के जाऊंगी मैं, कहूँ सहरी में मैं तो जा रही हूँ गाइस अपने ससुराल रात के 12:00 बजे। मेरा ऐसी है, मैं कभी भी जाती हूँ कभी भी आती हूँ गाइस। और समीर आ रहा है क्योंकि वो लेट आया काम पर से, वो जब भी लेट आएगा तो नमक डाले क्या ना चाहिए, कुछ जरूरत नहीं है, वो लेट आया इसलिए अभी मैं जाती हूँ रेडी होती हूँ, क्योंकि वो नीचे ही है और मेरी कफ सिरप ला रहा है मेरे को ना। आज 20 दिन हो गया गाइस मेरे दवाई नहीं ली, और इतनी खांसी ना हद पार खांसी है मेरे को, देखेंगे व्लॉग में, हर व्लॉग में खांस दे क्या हो गया। आगे तो पाप खाने का फिर वहाँ जाके मेरे को तो राइज हुई। और ये हम लोग का बच्चा कुछ समोसा रखना है शाना, दो एक दो बच्चा है ना, खा रहा हूं। नहीं समीर खा रहा है ना, उसको टेस्ट कराऊंगी ना। सो गाइस नमीरा भी निकल रही है, बज रहे रात के 12:45। तो पहली भाव देख रहे हैं गाइस अवतार से कुछ नहीं, अच्छे लग रहे ऐसे भी ना समीर, नमीरा भी जा रही है और समीरा भी जा रही है, समीरा और नमीरा दो सखी दोस्त लोग जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं। और अभी देख क्या लगा रही लिप बाम, अब जा ना, कल मैंने बालकनी बनाई मैंने, आ तो जा ना भिखारी, इधर से खाली वीक चीज ये नानी को तो शर्म नहीं आती, ब्लॉग चले ढोड़ डकारे ले रही है ब्लॉग चल में। और अभी हम लोग खाना खाए हैं, इन लोग ऐसे ही निकल रहे हैं, इन लोग का पेट भर रहा है, इसको कितना बोली खाना का मैं इतना जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं समीर को दे दी हूँ सालन कि तू खाएगा जाके सहरी, अभी नहीं खाएगा तो ब्लॉग में दिखाऊंगा। हाँ तो फिर चलो अल्लाह हाफिज, अब ब्लॉग भी एंड ही कर देते वैसे। सो गाइज वैसे भी ये काफ़ी टाइम हो गया, 1 बजी गया है, तो ब्लॉग एंड कर ही देते और मैं भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि आप लोग देखे रहे पैसा लिए थे तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, ये भी जल्दी सोने, मिलते हैं आप लोगों को सीधा सहरी में। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, हमारे चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।